हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे नैतात मनो मे तब कथा सुबैकुंठनाथ नैतात मनो मे तब कथा सुबैकुंठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरम हर्षशोकभयैशनार्तम् तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना नैतात मनो मे तव कथा सुवैकुंठनाथ संप्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम कामातुरं हर्षशोकभयैशनार्तं तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना श्रीशील भक्ति सिद्धांत श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए अप्राकृत जगत का साथ नाता जोड़ने का संबंध जोड़ने का एक ही रास्ता है वो है अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। गौड़ी अगस्थीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं अप्राकृत जगत का साथ संबंध जोड़ने का नाता जोड़ने का एक ही रास्ता है वो है अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का सहारा लेना। इसके अलावा अप्राकृत जगत का साथ संबंध जोड़ने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो भगवान का ऐसा ही विधान है जो बच्चा का जो हियरिंग ऑर्गन सुनने का जो यंत्र है सबसे पहले एक्टिव होता है। आँखों का दृष्टि शून्य रहता है बाकी सारे सेंस ऑर्गन अधूरा रह जाता है पहले नहीं परिस्फुट हो पाता। सबसे पहले ये जो हियरिंग ऑर्गन है सुनने का जो कान है ये पहले खोल जाता है। बच्चा जन्म होने का बाद संग संग ये सिस्टम भगवान का ये विधान है थोड़ा सा साउंड करो ऐसे बच्चा देखने शुरू होगा कहाँ से साउंड आ रहा है। ठाकुर जी का ये विधान है हमारा ये जो हियरिंग ऑर्गन है सुनने का जो सिस्टम है ठाकुर जी का बनाया हुआ है। इसमें कुछ विशेष है जितना सारे सेंस ऑर्गन है जैसे पंच कर्मेंद्रिय है पंच ज्ञानेन्द्रिय है इनमें सबसे बड़ा पावरफुल ये यूजफुल है ये हियरिंग ऑर्गन। और आँखों का द्वारा जो वस्तु देखा जाता है जिह्वा का द्वारा जो वस्तु आस्वादन किया जा सकता है हाथों के द्वारा जो वस्तु टच किया जा सकता है एक एक इंद्रियों का एक 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 इंद्रियों का एक एक इंद्रियों का एक एक
एक्टिविटीज है, लेकिन कानों का जो एक्टिविटीज है वो बड़ा अद्भुत। जो चीज आंखों से देखा जाता है वो कानों से सुना, जो चीज आंखों से देखा जाता है वो कानों से सुना नहीं जाता, जो वस्तु जीवा से खाया जाता है आस्वादन किया जाता है कानों से सुना नहीं जाता, बड़ा अद्भुत चीज है। लेकिन कानों का एक विशेष है, जैसे एक वस्तु आम बताया, मैंगो, ये मैंगो जो फल है ये जो ये आंखों का द्वारा देखा जाता है, शब्दों जो है कानों का द्वारा सुना जाता है, जिह्वा का द्वारा आस्वादन किया जाता है, लेकिन कानों का जो विशेष है एक वस्तु, वो दूसरे इंद्रियों का पावर में नहीं आता है, सिर्फ कानों का ही जो कान है। प्रभुपाद बोलते थे पहले ये जन्म जन्म का जो संस्कार है इसके द्वारा ये जो हियरिंग ऑर्गन है ये बड़ा दूषित होकर पड़ा हुआ है। पहले अप्राकृत शब्दों ब्रह्मों का अनुशीलन करो, सुनने हो अप्राकृत जगत का साधु गुरु वैष्णवों का श्री मुखारविंद से अप्राकृत शब्द ब्रह्मों का जो वाइब्रेशन आता है उसको कानों के द्वारा सुनते रहो, गो ऑन हियरिंग। इससे क्या होगा, अनंत काल का जो डार्टी है ये जो मैल है ये सारे साफा हो जाएगा। हजारों लाखों आदमी दीक्षा लेता है लेकिन दीक्षा का मतलब नहीं समझता। दीक्षा क्या चीज है, व्हाट फॉर यू आर टेकिंग दीक्षा, व्हाट इज द प्रोसीड्योर, नोबडी कैन स्पीक प्रॉपरली, कोई नहीं बोल सकता। शास्त्र में बताया गया दिव्य ज्ञान जतो दद्यात कुर्यात पापोश संशयम। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, कीर्तन में आप लोग करते हो अनुभव नहीं करते हो, जब तब ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता है तब तक आपका दीक्षा क्रिया समापन नहीं हुआ, इट इज नॉट कंप्लीट। दीक्षा इज अ लॉन्ग प्रोसीड्योर, ये सब बोलने चाहे तो दूसरा चैप्टर खुल जाएगा, वो आज का प्रोसीड वस्तु बंद हो जाएगा सब्जेक्ट मैटर। दीक्षा का मतलब है अप्राकृत जगत का जो वैष्णव है क्या लक्षण है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, यू विल हैव टू स्पीक एग्जैक्ट सिम्टम ऑफ ए साधु, इसका बारे में बहुत चर्चा चाहिए, लेकिन अभी तो ये टॉपिक्स नहीं है, फिर भी कह देते हैं दो एक। शब्दे परेचन स्नातम ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, उपनिषद में बताए सौ गुरु मेभावी गच्छेत, सौ गुरु मेभावी गच्छेत, भागवत में बताया तद विज्ञानार्थम सौ गुरु मेभावी गच्छेत समेत पाणी श्रोतव्यम ब्रह्मनिष्ठम, भागवत में बताया। व्हाट फॉर, किसका पास जाए, किस कारण, इसका उत्तर सुन लो। पहले यदि अगर अप्राकृत जगत का बारे में जानकारी चाहिए तो, नहीं तो जैसे है तैसे पढ़ा रहो कोई बात नहीं। अगर अप्राकृत जगत का बारे में जानकारी चाहिए तो आपको ऐसा एक गुरु का पास जाना है जो अप्राकृत जगत का पूरा अनुभव है, बहुत सारे तत्व गुरु तत्व का बारे में बहुत सारे तत्व बताया गया,
बहुत सारे मांस महीना पे महीना हमने बताया ठाकुर जी का कृपा से गुरु तत्व में जब तक प्रतिष्ठित नहीं हो पाओगे, जितना ही गुरु जी गुरु जी गुरु जी करो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मायावादी का माफी, गुरु जी गुरु जी गुरु तत्व का अनुभव नहीं है, गुरु क्या वस्तु है, कैसे गुरु का सेवा किया जाता है, नो फीलिंग्स नथिंग, कैसे होगा। बहुत बार मैंने कह चुका, बार बार वेदांतों का बहुत सारे गुप्त रहस्य है, आज थोड़ा खुलेंगे ये सब बात। जब तक गुरु जी का अप्राकृत शब्दों स्वरूप का अनुभव ना हो जाए, पहली बार सुन रहे हो आई थिंक सो, बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुख की बात है। हमको मरने का इच्छा होता है, जीने का इच्छा नहीं है, क्या करे कहाँ जिए, कौन सुनेगा कौन अनुभव करेगा। जब तक गुरु जी का शब्द स्वरूप का अनुभव ना हो जाए, गुरु जी का एक शब्द स्वरूप है, गुरु जी का जो बॉडी है ये अप्राकृत है, ये शरीर को लेके लोग चिल्लाता है अनुभव नहीं है, ये अप्राकृत शरीर है। गुरु जी का एक गुप्त स्वरूप है, उसका नाम है गुरु जी का शब्द स्वरूप, अप्राकृत शब्द स्वरूप, उसका अनुभव जब तक ना हो जाए तब तक दीक्षा का कोई वास्तव फल नहीं मिलेगा। जो भी है, सगुरु मेभावी गच्छेत समेत पाणी श्रोतुयम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम मीन जो ब्रह्मणी उपसमाश्रयम, उपसम का मतलब इलाज का बाद जो आराम मिलता है उसको संस्कृत में उपशम बोला जाता है, रिलीफ, प्रिवेंशन इज बेटर देन रिलीफ एक बात है। और उपशम जो ये जगत का जो तीन गुण का प्रभाव है, इससे जलन होता है सारे आदमी, जितना सारे क्रिएचर है, जितना सारे जीवात्मा है जगत में, सारे जल रहा है आंख का माफी, एक दूसरे का फाइट करो मारो कूटो भगा दो, ऐसा चल रहा है, जलन हो रहा है चारों ओर। लेकिन वैष्णवों का ओर देखो, उसका अंदर में कोई जलन नहीं है। अगर जलन होता, अप्राकृत जगत जगत का अप्राकृत शब्द ब्रह्मो उसका जीवा से आना असंभव है, क्वाइट इम्पॉसिबल, ही कैन नॉट अटर, अप्राकृत शब्द ब्रह्म का उच्चारण नहीं कर सकता, संभव नहीं, सुनने वाला नहीं है जगत में। फिर भी है दो चार तो होगा जरूर। पोपा जी ने बताए ये सब अप्राकृत जगत का शब्द सुनने का कथा सुनने का आदमी नहीं है, बहुत कम। काल चर्चा करेंगे इस विषय पर। गुरुदेव का शब्द स्वरूप का अनुभव हो जाए, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। शब्दे परे च निष्णातम, व्हाट डू मीन शब्दो, शब्दों जो बताया क्या है, इसका माने क्या है, बचपन में शायद पढ़ा होगा आपने, वेदों वेद का दूसरा नाम है श्रुति, बचपन में आपने पढ़ा होगा वेद का दूसरा नाम है श्रुति, इसका मतलब है पहले जन्म में उस समय ऋषियों ने ये सब अप्राकृत जगत का वेद वेदांत ये सब बताते थे, और सुनने वाला जो डिसाइपल है शिष्य है वो सुनने का साथ साथ एकदम मेमोरी में, जैसे आपका कंप्यूटर में फेट कर देते हो सेव, वो सेव हो जाता था।
ऐसा ही पावरफुल था उसका ब्रह्मचर्य, इसका पावर इतना था, सुनने का साथ साथ क्या बताया वो बोल देते। अप्राकृत जगत का जो श्रुति वेद वेदांत इसका बारे में गुरुजी कहते चले और शिष्य मेमोराइज पूरा मेमोरी में भरते चले। लिखने झुकने का कोई दरकार है नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर से भी ज़्यादा है, कंप्यूटर का पावर कितना जिगाबाइट होगा आप जानते हो, अब उसका तो अनलिमिटेड है, गुरु की पास जिससे मिला है वो अनलिमिटेड पावर, आप माप नहीं सकता कितना पावरफुल है मेरा गुरुजी, थोड़ा माप के देखे, इनकॉन्सिबल हो नहीं सकता। तो ये जो शब्द है वेदों का दूसरा नाम है श्रुति, शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय, में शब्द जो बोला है ये शब्द है श्रुति, शब्द ब्रह्म। ये जो शब्द हमने बताया शब्दे परे च निष्णातम, ये शब्दों का मतलब है वो शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म। भागवत का पहला श्लोक शुरुआत में पहला स्कंद का पहला सब यन्वा आदस्यो यतो अन्मयादितराश्चार्त सभीज्ञ सराड़ो, ये सब श्लोक है, भागवत सुनोगे तो इसमें आता है। वेदांतों का पहला सूत्र है अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा यन्मा आदस्यो यतो सुतेस्तु शब्द मूलत्यात्, ये सब बहुत सारे सब मैथमेटिक्स समापिक सूत्र, जैसे मैथमेटिक्स में एक एक सूत्र है उसको एक्सपेंशन करो अंक आ जाता है, ऐसा सुंदर है। इसमें बताया गया जे जन्म आदस्यो यतो, जन्मो आदि असो कसो विश्वसो, जन्मो आदि कसो विश्वसो यतो, जिसके द्वारा होता है, जहां से, एक अद्भुत चीज है व्याकरण, जिसने पढ़ा है वो जानता है जितना सारे केस एंडिंग है, किस लिए कहां क्यों सब, यस्सो येनो यतो यस्मात् जत् जत् जेनो यथा यदा, सारे केस एंडिंग है सब भगवान फॉलो। चैतन्य महाप्रभु का विषय में चर्चा करेंगे तब बताएंगे, महाप्रभु कितना इंडिकेशन दिया है, गुप्त रहस्य, इतना बोका है हम लोग कुछ समझ नहीं पाया। जन्मादस्यो यतो, जिससे जगत का सृष्टि हुआ है, पालन हो रहा है, ध्वंस भी होगा, अनादि निधनम ब्रह्म, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम, गीता में बताया ओम इति एकाक्षरम, जो बाहरण मम अनुस्मरण जब प्राथी तयन देहम स यातिम परमम गतिम, ओमेति एकाक्षरम, ये शब्द ब्रह्म है। ओम जो है ये शब्द जो है ओम ओम, ये शब्द ब्रह्म है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी शब्द ब्रह्म है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद, ये भी शब्द ब्रह्म है। आज का विषय वस्तु क्या है, शब्द तत्व और शब्द तत्व का असामान्य प्रभाव, इनकॉन्सिबल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस साउंड वाइब्रेशन। शुरुआत में ये बोलना चाहिए शब्दों तत्व जो है वो दो किस्म का होता है,
शब्दों का बारे में चर्चा करने जाए तो इट विल टेक मंथ्स, महीना भर पूरा डिटेल लाइक मैथमेटिक्स चर्चा चलेगा, पागल बन जाओगे सुनने का, वो ही ये हिम्मत नहीं है। शब्द तत्व दो किस्म का है, फर्स्ट ऑफ ऑल शब्द तत्व दो किस्म का है, कैटेगोरिकली यू कैन डिवाइड दिस शब्द तत्व इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट मेटेरियल शब्द, प्राकृत शब्द, और दूसरा जो बारे में पहले हम चर्चा कर दिए उसका बारे, उसका नाम है अप्राकृत शब्द तत्व। प्राकृत शब्द तत्व और अप्राकृत शब्द तत्व, प्राकृत शब्दों का साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? बोले महाराज ये जो इथार तरंग है इसमें जो उत्थित होता है कोई कंपन, वो कानों में आता है, वो हमारा रिसीविंग ऑर्गन एक्सेप्ट कर सकता है। ये शब्द तत्व मेटेरियल है, क्योंकि ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाण किया, साउंड का बारे में जो रिसर्च करता है वो लोग इतना बेकूफ है, वो स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद दैट साउंड वाइब्रेशन। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण उद्धव अर्जुन को जो उपदेश दिया वो इतना बोका है, वहां जाके मिसिंग लगा कर ट्राई कर रहा है, क्यों वो लोग सुना है साउंड वाइब्रेशन इज नेवर डिस्ट्रॉयड। शब्दों का कंपन जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो ऑसिलेटिंग अवस्था में रह जाता है, ऐसा 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 ऐसा। प्राकृत जगत का जो शब्द है, जो हल्ला गुल्ला आप लोग करते हो जन्म से लेके, जब से जन्म लिए तब से लेके आज तक जो हल्ला गुल्ला कर रहे हो, ये जो साउंड जहां भी जाते हो, स्कूल कॉलेज में जहां भी जाते हो, बाजार में दुकान में ऑफिस में कहीं भी जितना सारे हल्ला गुल्ला कर रहे हो, वो सब प्राकृत शब्द है। दोस कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन दिस कॉलेज यूनिवर्सिटी दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एजुकेशन अबाउट दिस ट्रांसेंडेंटल साउंड व्हिच इज ओनली अवेलेबल विथ ए प्योर साधु। फुलिश, पहले भारत में ऐसा नहीं था, सारे मास्टर लोग सारे सबका भक्ति, स्टूडेंट लोगों को यह अपराकृत विषय में थोड़ा थोड़ा जानकारी हुआ करता था पहले, अभी कुछ नहीं है, डिटैच हो गया। अरे ये क्या होगा, ये छोड़ो, खाओ पियो जियो मरो, एंजॉय योरसेल्फ। कुत्ता बिल्ली का जिंदगी, कुत्ता भी जिंदगी जीता है, बिल्ली भी जिंदगी जीता है, ये हमारा जिंदगी हो गया, भागो दौड़ो खाओ पियो जियो, हाँ बस दैट्स एनफ। प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल ये जगत है, प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल ये मेटेरियल वर्ल्ड है। प्राकृत शब्दों का जितना भी उत्पत्ति है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ भी हो, जो कुछ भी शब्द उच्चारण करते हो, सब मेटेरियल साउंड ऑल जेनरेटेड हियर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड एंड गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड वेरी सून। ये तो इस जगत में ऑसिलेशन होता है, लेकिन जगत ध्वंस होगा तो वो भी ध्वंस होगा, वो बोलेगा अभी जो बोला है हमको एक शब्द जो मेरा जवान से निकल गया वो रिटर्न नहीं हो सकता, समझा मेरा, जैसे यीशु जैसे तीर चला दिया वो रिटर्न नहीं आ सकता। संतों का प्रवचन ऐसा हो, एक बार जब प्रवचन निकल गया वो शब्द रिटर्न नहीं हो सकेगा, वो इट इज 100% परफेक्ट। ब्रह्मो प्रमाद विप्रविशा कर्ण प्रताप, चारों किस्म का जो डिफेक्ट्स है ये संतों का वाणी में नहीं होता है, इसका बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब समय आएगा, काल काल चर्चा का समय है। भ्रमो प्रमात विप्रलिप्सा कर्ण कर्ण पटाप, ये चारों किस्म का
जो डिफेक्ट्स है वो संतों में भगवान में नहीं रहता, नहीं रह सकता, संभव नहीं। इतना प्योरिटी है, संभव नहीं। प्राकृत जगत का शब्दों का उत्पत्ति सिस्टल ये जगत में, और ये जगत में लय पाप तो होता है, ओसिलेटन तो होता है, बाद में जगत जगत विनाश होगा तो वो भी विनाश हो जाए। लेकिन अप्राकृत जगत का जो साउंड वाइब्रेशन है वो अप्राकृत जगत से आता है। गुरु जी जो मंत्रों दे रहा है, मंत्र दिया है, वो अप्राकृत जगत का, अप्राकृत जगत का मंत्रों जो है वो प्राकृत जगत का कोई शब्दों नहीं है। इसलिए अप्राकृत जगत का मंत्रों देने का पहले सोचना चाहिए, हुम टू गिव हुम नॉट टू गिव। बड़ा दुख की बात है, सनातन गोस्वामी ने चिल्ला चिल्ला कर बोला, भक्त विनोद ठाकुर ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला, शास्त्र में लिखा हुआ है, हु इज गोइंग टू हियर, सारा लिखा है, ये सब सिम्टम देखो तब दिखा देना, नहीं तो नहीं देना, पूरा एकदम सैटरडे क्लब हो जाएगा, नंगा होके नाचोगे दारू पी के, ऐसा हो जाएगा। बहुत खराब लगता है मेरा, लेकिन सच्चा बात है। दीक्षा देने का पहले गुरु का परीक्षा बद्धोजीव तो कर नहीं सकता, फिर भी थोड़ा सिम्टम है दिया हुआ है, अपेक्षा करना एक साल, ये सच्चा साधु है कि नहीं, ये परीक्षा तो आप नहीं कर सकते हो, फिर भी संग रहने से कुछ अनुभव होगा, ये पक्का है, झूठा नहीं है, सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। शिष्य कैसा होता है, गुरु कैसा होता है, किसको दीक्षा दिया जाता है, अप्राकृत जगत का जो गुरु वैष्णव है इनके मुखारविंद से जो शब्द ब्रह्मो हरि कथा हरि नाम या तो मंत्र आपको मिला है, ये कोई प्राकृत शब्द नहीं है, ये कोई प्राकृत शब्द नहीं है, यह अप्राकृत जगत का शब्द है। आपने सुना होगा जे चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, डू यू अंडरस्टैंड, सुना है, अनुभव आया क्या चीज है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, वही बात तो पहले शुरुआत में बताया था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो शब्द जिज्ञासा, अरे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोला आप, क्यों शब्द जिज्ञासा बोला, हाँ एक ही है, अनादि निदनम ब्रह्म शब्द तत्त्वम यदक्षरम, ये तो बताया, अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ही है अथो तो शब्द जिज्ञासा, ये समझोगे नहीं, बड़ा टिपिकल चीज है, गुप्त तत्व। गुरु वैष्णव का मुखारविंद से अप्राकृत शब्द आपने लिया है, लेने का टाइम में आपका अनुभव हुआ कि आज ने हम कृष्ण को प्राप्त किया, अनुभव किया, किसने अनुभव किया बोलाओ, गुरुजी से मंत्र लेने का टाइम किसने अनुभव किया, आज मेरे को कृष्ण प्राप्ति हो गया, किसने अनुभव किया, किया कुछ, अरे महाराज कुछ शब्द बोल दिया, ठीक है जपते चलो राम 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 जपते चलो, अनुभव नहीं हुआ। ये विज्ञान भित्तिक विषय है, बहुत साइंटिफिक विषय है। प्राकृत जगत का जो वस्तु है, जो वस्तु को एक शब्दों के द्वारा विशेषित किया जाता है, समझो मेरा बात, जैसे अंग्रेज लोग दूध को मिल्क बोलते हैं, बंगला में मिल्क दूध बोलते हैं, संस्कृत में दूध, उड़िया में बोलते हैं खीरो, ये डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन वस्तु एक है, वो है दूध मिल्क। आम को मैंगो बोलो आप, आम बोलो, आम्रफल संस्कृत में बोलता है, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, जो आम्रफल बोल दिया, आम बोल दिया, ये आम जो बोल दिया, आम का साथ आम का जो शब्द है उसका
बहुत डिफरेंस है। समझा मेरा बात? समझा नहीं? समझा नहीं? आम बोल दिया, आम एक तरफ है, आम का शब्द एक तरफ है, कोई उसका साथ तुमने शब्द बोला, हमारा एक्सपीरियंस है, आई हैव माई एक्सपीरियंस दैट आई कैन फील। मैंगो बोलने का साथ साथ हमारा अंदर में अनुभव होता है, महाराज कोई मीठा सा एक है सुंदर वो खाने का चीज है, बिकॉज आई हैव प्रीवियस एक्सपीरियंस। बट इफ यू हैव नो एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश? जैसे एक ऋषि का बालक को, एक ऋषि बहुत दिन पहले, आज से 4-5 हजार साल पहले, एक ऋषि का बालक जंगल में रहता है, उसको पता नहीं को मिल्क क्या है, दूध क्या चीज है। किसी गांव वाले ने उसको मजाक करके पिचोली खिला दिया, आटे आटे पानी में घोल कर खिला दिया, वो सुना है सादा सादा चीज है, लिक्विड खिला दिया। वहां से पिताजी को बोला, हमने आज ये दूध खाया। बोले कैसे खाया? दूध तो मिलता नहीं इधर। बोले गांव में पिलाया बहुत दूर। वो कैसा? अरे ये तो पिटुली खिला दिया, मतलब आटा गोल के खिला दिया, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है नहीं। प्राकृत जगत में कोई भी वस्तु है, वो वस्तु का साथ, वो वस्तु को आइडेंटिफाई करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग आपने डिक्शनरी में लिखा है, ये पूरा टोटली डिफरेंस। समझा मेरा बात? शब्द अलग है, वस्तु अलग है। आम आम बोलने से आम नहीं आएगा इधर। पानी, प्यास लगा है, पानी पानी चिल्लाने से पानी नहीं आएगा। आएगा क्या? पानी आएगा? पानी उपस्थित नहीं है, आएगा। लेकिन जब माधवेंद्रपुरी पाद रोदन करके बोले हा कृष्ण हा वृंदावन, तो वृंदावन इट्सेल्फ प्रेजेंट देयर विथ माधवेंद्रपुरी पाद। फॉर ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट, हमने इसका प्रमाण दे देंगे, मैथमेटिकल प्रमाण। जब माधवेंद्रपुर बोले कि हा वृंदावन हा कृष्ण हा मथुरानाथ, कृष्ण स्वयं उपस्थित, वो शब्दों के द्वारा कृष्ण हिमसेल्फ प्रेजेंट। इसी को बोलता है नाम रूपे कोली काले कृष्ण अवतार। बट हाउ? व्हेन दैट नेम इज अटर्ड बाय एनी प्योर साधु, जब कोई वास्तव साधु, विशुद्ध साधु बोलता है हरे कृष्ण, उसका साथ कृष्ण स्वयं उपस्थित होता है। इसी वास्ते भगवान श्री कृष्ण जी ने कमिटमेंट किया, जब मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्तो तिष्ठामि नारद, इट इज माई कमिटमेंट नारद, नो इट फॉर श्योर, जहां मेरा भक्तो, मेरा प्यारा भक्तो मेरा प्रवचन करता है, कीर्तन करता है, जब मेरा भक्तो मेरा कीर्तन करता है, मेरा प्रवचन करता है नारद, इट इज माई कमिटमेंट, हम उधर पहुंच जाता है, मौजूद रहता है। लेकिन आपका आंखों में नजर में नहीं आता, क्योंकि कृष्ण का एक शक्ति है, अनंत शक्ति, भगवान श्री कृष्ण का इन्फिनिटी शक्ति है, उसमें एक शक्ति है, इसका नाम है सब प्रकाशत शक्ति। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ से एक छोटा सा किताब बहुत पहले प्रकाशित हुआ, ये अधम के द्वारा संपादित बांग्ला में हुआ था, वो किताब में संदर्भों का जितना सारे जिस्ट है, इतना सा 250-250 पन्ना में पूरा संदर्भों का जिस्ट दिया, इसमें ये सब है। इसमें विशेष ये है, क्या विशेष है, जो भगवान का सब प्रकाशत शक्ति, चैतन्य महाप्रभु के बारे में 2 दिन रखा है, उस दिन हम बताएंगे चैतन्य महाप्रभु का विशेष क्या है, व्हाट इज द एक्सीलेंस देयर विथ से परात्पर अखिलेश चैतन्य महाप्रभु, बहुत गंभीर चीज है ये जो बात है। इसमें बताया गया भगवान का अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति में एक विशेष शक्ति है, वो है सब प्रकाशत शक्ति। भगवान कैन मैनिफेस्ट हिमसेल्फ बिफोर यू और कैन नॉट,
दैट डिपेंड्स। इसका बारे में चिल्ला चिल्ला कर फॉरेन डिबोडी का सामने शिक्षित समाज में मैंने बताया बहुत बार, काल भी इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन। सुप्रीम लॉर्ड कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू योर सेंस ऑर्गन, बी केयरफुल अबाउट इट। साधु गुरु वैष्णव भी ऐसा है, तुमको धोखा दे के पड़ा रहेगा दरवाजा बंद करके, तुम पता नहीं चलेगा, जाओ दौड़ो बाहर में, बाजार में दौड़ो, बाजार में दौड़ो कुत्ता का माफी, जाओ उधर मजा ले लो, असली वस्तु नहीं मिलेगा, असली वस्तु नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा अंदर में कोई सिंसियरिटी नहीं है। सत्य वस्तु प्राप्ति करने के लिए कोई चाहत नहीं है, देयर इज नो डिमांड इनसाइड योर हार्ट, कपट कुछ नहीं मिलने वाला, करो चिल्लाओ। हम धोखा देने के लिए नहीं आए। अपरागित शब्दों जब गुरु वैष्णव का मुखारविंद से सुनते हो, वो शब्दों का साथ साथ वो वस्तु स्वयं उपस्थित है। अपरागित जगत का गुरु वैष्णव का मुखारविंद से महाराज हमको हरिनाम प्राप्त हुआ, मतलब हरि को दे दिया तुमको शब्दों का रूप में, शब्दों का रूप में हरि को स्वयं दे दिया था गुरु जी, लेकिन हमारा अनुभव में नहीं आया। कैसे नहीं आया, मतलब कैसे आएगा, होश में आओ। जैसे एक 4-5 साल का बच्चा को बोले कि तेरा पिताजी करोड़ों रुपया का जायदाद छोड़ के गया, तो बोले वो क्या है जायदाद, क्या चीज होता है करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी तेरे नाम पे, वो क्या है, हमको चाहिए लोजन, हमको चाहिए बिस्कुट, ये दैट मच सफिशियंट फॉर मी। वो समझता नहीं, 4-5 साल का बच्चा, उसको चाहिए लोजन, उसको चाहिए बिस्किट। हमारा त्रिविक्रम महाराज जी बोलते थे, बहुत प्यार करते थे हमको सब, तो महाराज जी भारती महाराज जी हु नॉट, सब भरपूर दिया है वो लोगों का प्रसाद मेरा अंदर, और कुछ प्रणामी नहीं चाहिए हमको, तुमको हम प्रणामी दे सकता, हम सेटिस्फाइड। जिंदगी में हम कलेक्शन नहीं किया, दरकार भी नहीं है, सब चलता है ठाकुर जी का की बात। त्रिविक्रम महाराज जी बोलते थे बांदर से, बंगाल भाषा ढाकाई भाषा, बांदर सीने कोला सुअर सेने कोसु, ढाकाई भाषा में बोलते थे। सुअर समझता है कोचू, कोचू जो है ना जंगल में होता है कोचू, सुअर सेने कोसु और बांदर सेने कोला, बांदर मतलब केला समझता है और कुछ दूसरा कुछ समझता नहीं। त्रिविक्रम महाराज बोलते थे गाली देखे, कुछ नहीं समझते ये लोग। बच्चा एक 4-5 साल का नदान बच्चा, वो प्रॉपर्टी का बारे में क्या जाने, लेकिन पिताजी गुजर गया, माताजी तो है नहीं पहले से, पिताजी पहले ही गुजर, वो बच्चा बोले प्रॉपर्टी क्या चीज हुआ, वो प्रॉपर्टी को किसी वकील का पास रखा जाता है, या तो कोई कंपनी है टेलबोट कंपनी जैसा कोई प्रॉपर्टी का देखभाली करता है, उसका लिए दे टेक सम रेमुनेशन, मैंने सैलरी कुछ लेता है। और जो बच्चा 18 साल का हो जाता है प्राप्त वयस, तो उसका हाथ में हैंडओवर कर देता है। तो ये बात है, जब गुरुजी तुमको मंत्र दिया है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी दिया है जो तुम्हारा इधर कोई नहीं है, जन्म नहीं हुआ कोई ये धरती पे, इतना बड़ा प्रॉपर्टी मेरा गुरुजी मेरे को दिया है, काम गायत्री काम गीज अपरागित शब्द ब्रह्म सब दिया है, वो इतना बड़ा प्रॉपर्टी अनंत ब्रह्मांड में किसी जगह नहीं है। सबसे बड़ा धनी तो वो है जिसका पास गुरु जी का कृपा है, सबसे बड़ा धनी तो वो है जो ये मंत्र का रहस्य समझा मेरा बात, मंत्र तो दिया है, मंत्र का रहस्य पोल पट्टी रहस्य जिसका पास खोल गया वही है मालामाल हो गया, वो सबसे बड़ा धनी है।
अनंत ब्रह्मांड में उससे बढ़कर धनी कोई नहीं है, जगत में कोई धन टाटा बिरला कोई भी नहीं है, एक भी धोनी नहीं है जो उससे बढ़कर धोनी हो सकता। श्रील माधवेन्द्रपुरी पास जितना धनी है उतना धन अनंत ब्रह्मांड में किसी का पास नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का हृदय में जो धन है वो अनंत ब्रह्मांड में किसी का पास नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का हृदय में जो संपत्ति है वो संपत्ति किसी का पास नहीं है, लेकिन उसका यूटिलिटी कोई समझता नहीं है। ये आम आदमी ऐसा बोका है वो समझता है मेटेरियल यूटिलिटी, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज करने जाए, कोई भी प्राप्त होए, कोई भी चीज का बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आया उसको प्राप्ति करने का पहले वो बोले व्हाट इज द यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है, हमारा क्या फायदा है पहले बताओ, हम लेंगे डिबेंचर शेयर मार्केट में जितना कितना सारे है, कौन कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, कौन डायरेक्टर है बताओ कौन, फिर हम किनेंगे, इतना बहुत होशियार है, बड़ा होशियार है, लेकिन भजन के बारे में कोई होशियारी नहीं। इसलिए भगवान गीता में सुंदर बताया, देखो ये जिसका बारे में सारे आदमी जगत का आदमी बड़ा होशियार है जागृत रहता है, सा निशा पश्चतो मुने, मुनिगम सब सोचता है ये निशा है रात्रि, जब आप लोग सो जाओगे संत महात्मा उठ के भजन लगाएंगे, वो हल्ला गुल्ला बंद है भजन करो, और जो बोलो आप लोग जगोगे वो तो दूसरे काम में लग जाएंगे, सेवा में ही लगेंगे। प्राकृत जगत का शब्दों का कोई स्वरूप है कि नहीं, दैट इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। प्राकृत जगत ये जो मेटेरियल जगत का जो साउंड है, साउंड वाइब्रेशन है, इसका कोई शेप एंड डिजाइन है, मेरा पहला क्वेश्चन है, कोई शेप है उसका, कोई स्वरूप है, प्राकृत जगत का जो शब्द है उसका कोई स्वरूप है, स्वरूप है कि नहीं है, कि यस और नो, और क्या, यस हाउ बताओ, यह तो बोल दिया बहुत चालू है, बता दिया हाँ, वहां महाराज जी तो हाँ बोलेगा, किस लिए बताओ, दिखाओ प्राकृत जगत का जो शब्द है इसका शेप एंड डिजाइन है, दिखाओ प्रमाण, आई नीड एविडेंस, कोई साइंटिफिक एविडेंस है, यस कार्डियोग्राफी लाओ, हार्ट बीट हम दिखा देंगे, पहले जमाने जो फिएस्टा है ग्रामोफोन उसमें रिकॉर्डिंग जो होता था उसमें पिन को डाल दो, ये पिन ऐसा ऐसा अकॉर्डिंग टू ग्राफ एंड चार्ट ऑफ साउंड वाइब्रेशन ओरिजिनली वाज देयर एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये मूव करते चले आप सुनते चलोगे, साउंड का जो फ्रिक्वेंसी है वो अप डाउन होते चलेगा आप सुनते चलोगे, तो प्राकृत जगत का भी साउंड का शेप एंड डिजाइन जरूर है ना। तो व्हाट अबाउट अपराकृत जगत का शब्दों के बारे में जब हम बताएं क्यों गुस्साओगे आप लोग, अपराकृत जगत का जो शब्द ब्रह्मों का जो स्वरूप है ये तो 100% परफेक्ट, क्योंकि प्राकृत जगत का स्वरूप है, प्राकृत जगत का जितना सारे शब्द है उसका स्वरूप है, और अपराकृत जगत का बारे में भगवान का स्वरूप शब्दों और भगवान एक है मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, क्यों नहीं मानोगे, क्यों नहीं मानोगे, इसीलिए तो बताए कि भगवान का जो स्वरूप है और भगवान का जो नाम है दोनों बराबर है। ये मटेरियल जगत में किसी वस्तु का ऐसा कोई प्रॉपर्टी आप दिखा नहीं सकोगे, नेम इज इक्वल टू द सब्सटेंट आई मीन यू कैन नॉट प्रूव, ओनली इट इज पॉसिबल इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड अपराकृत जगत में, ओनली अपराकृत जगत में ये प्रमाण है, बाकी प्राकृत जगत में ऐसा कोई प्रमाण हो नहीं सकता, प्राकृत जगत में हो नहीं सकता, प्राकृत जगत में भगवान का जो स्वरूप है भगवान का जो नाम है वृंदावन और वृंदावन नाम दोनों एक है,
शब्दों को आंखों के द्वारा देखा जाता है, देखा जाता है ना, हमने अभी प्रमाण कर दिया। डॉक्टर लोग क्या था, और कार्डियोग्राफी देखे, चार्ट को देखता है, कार्डियोग्राफिक चार्ट। जब प्राकृत शब्दों को देखा जाता है और प्राकृत शब्दों को देखा नहीं जाता है, प्राकृत शब्दों को देखा जाता, अप्राकृत शब्दों को भी देखा जाता। आंखों के द्वारा शब्दों का रिसेप्शन हमने जिंदगी में सुना ही नहीं, सुना नहीं। आंखों के द्वारा शब्दों का ग्रहण, ब्रह्मों का ग्रहण हो सकता है अगर मैच्योरिटी अप टू दैट पॉइंट जाए, अप्राकृत हो जाए आंखें। और प्राकृत जगत में ऐसा कोई उदाहरण है, इज देयर एनी एग्जांपल? प्राकृत जगत में आंखों के द्वारा शब्दों को कैच करने का कोई व्यवस्था है? आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है? इस जगत में कोई प्राणी है? कोई प्राणी नहीं है। आंखों के द्वारा शब्दों को रिसीव करे, ऐसा कोई है? है कि नहीं? नो, यस और नॉट बताओ, नहीं? अरे कितना बुद्धिमान सब बैठा हुआ है, है? ये जगत में ही हम उदाहरण दे देंगे, मेटेरियल जगत में। ये जगत में शब्दों को आंखों के द्वारा रिसीव करता है, एक प्राणी का उदाहरण दे देंगे। क्या उसका नाम है? स्नैक, सांप। सांप जो है उसका संस्कृत में उसका एक नाम है ओक्षिश्रवो। ओक्षिश्रवो जो संस्कृत पढ़ा वो जानता है, कोई पढ़ता ही नहीं संस्कृत। पढ़ो संस्कृत, बंगला पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, फुलिश अंग्रेजी पढ़ता है, म्लेच्छ भाषा। अरे आप तो अंग्रेजी बोल रहे, हम क्या करें? आपका हवा लग गया, हम भी बोलना शुरू कर दी। ऐसा ही है आंखों का, ये जो सांप, सांप का दूसरा नाम है ओक्षिश्रव। सांप का कोई कान नहीं होता, हियरिंग ऑर्गन नहीं है, आंखों के द्वारा साउंड को वाइब्रेशंस रिसीव करता है, वो देखता भी है, दोनों का होता है, दोनों काम होता है सांप, सांप का स्नैक। जब एक प्राणी, ये जगत का एग्जांपल, ये जगत में ये प्राणी जो स्नैक है, सांप, ये आंखों के द्वारा सुन भी सकता है, देख भी सकता है, तो व्हाई नॉट अप्राकृत जगत में हो नहीं सकता? शब्दों को आंखों के द्वारा ग्रहण करना संभव नहीं है, हैं? गुरु जी बोलते हरे कृष्ण, उसका साथ कृष्ण को देखते भी हैं, है ना? देखते तो हैं, शब्द उच्चारण भी कर रहा है, क्योंकि अप्राकृत जगत का जो गुरु वैष्णव है वो जब शब्द ब्रह्मों का प्रवचन करे या तो कीर्तन करे, कुछ भी करे, प्रवचन भी कीर्तन है, वन की चिल्ला चिल्ला कर, उस समय श्रवण कीर्तन ये भी हो जाता है संग, समझा मैं, साइमल्टेनियसली शोभन कीर्तन और स्मरण तीनों साइमल्टेनियस में हो जाता है। क्योंकि जो मेरा हृदय से गुरुजी बुलवा रहा है, प्रभुपाद जी बुला रहा है, मैंने स्मरण करके बैठा, ये कोई मेरा कोई क्षमता नहीं है, वो जो मेरा जवान से निकल रहा है वो कानों पे भी जा रहा है, मैं सुन भी रहा हूँ, और कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप हमारा शरण है, क्योंकि जरा सा भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए माइंड तो गलत निकल जाएगा, समझा मेरा बात? तो एक ही साथ मेरा प्रवचन, मेरा श्रवण, मेरा शरण, तीनों एक साथ चल रहा है। इसलिए कीर्तन, श्रवण, स्मरण तीनों एक साथ चलता है। कब चलता है? जब अप्राकृत जगत का कोई साधु महात्मा बोलता है, कीर्तन करता है, तब श्रवण कीर्तन एवं स्मरण तीनों एक साथ हो जाता है, नहीं तो संभव नहीं। हमने साबित करके दिखा दिया जो प्राकृत जगत का शब्द का भी फ्रीक्वेंसी जो स्वरूप है दीक्षा डॉक्टर लोग सब, अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म जो है उसका स्वरूप है पूरा। जैसे
वृंदावन बोलने से माधवेंद्र पुरीपाद का हृदय में वृंदावन स्वयं प्रकट हो गया। अरे महाराज वृंदावन तो बड़ा जगह है, कैसे प्रकट ठीक है, इतना फुलिश है। वृंदावन सूक्ष्म रूप के द्वारा प्रकट हो गया हृदय में। विभु वस्तु जो है वो इन्फिनिटी है, स्टिल विभु वस्तु है, स्टिल इट इज कन्फाइंड इन टू माई हार्ट। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भजन नहीं किया फिर भी बता दिया, सीमार माजे असीम तुमी, यू आर इन्फिनिटी बट यू आर विजिबल इन शॉर्ट फिगर लाइक गोपाल। फॉलो मुस्लिम कवि, मुस्लिम पोएट काजी नजरुल इस्लाम का नाम सुना है, वो मुस्लिम है, वो भी लिखा है, ए विश्व लो ए विराट शिशु आन मने खेली छो, लिखा है बहुत सारे लिखा है वृंदावन का कीर्तन, वो मुस्लिम को भी है, माताजी हिंदू पिताजी मुस्लिम। उसका अनुभव में थोड़ा थोड़ा आया, पूरा नहीं आया क्योंकि गुरु नहीं है। ए विश्व लोए विराट शिशु आन मने खेली छो, ए अनंत रूपी हरि, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, फिर भी हरि यशोदा मैया का सामने दामोदर होके खेल रहा है बच्चा। नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम, कार्तिक मास आ रहे, यही गोपाल दामोदर दिखने में इतना, न च अंतर यशो न बहिर, जिसका का अंतर नहीं है, बाहर नहीं है, मेजरमेंट नहीं है, इन्फिनिटी हरी, वो भगवान के सामने यशोदा माँ के सामने गोपाल होकर खेल कूद कर रहा है। यशोदा भी ओलुखो लवदाबा मानु, हरि अनंत, हरि रूप अनंत, फिर भी ठाकुर जी छोटा बन के खेल रहा है। इसका मतलब है आपका कोई फिनाइट कंसेप्शन आ जाए, महाराज ठाकुर जी तो छोटा है बच्चा, इसका मतलब हाँ छोटा देखने में छोटा है, इसका अंदर में इन्फिनिटी ब्रह्मांड है ना। बद्रीनारायण में जाओ सुबह का टाइम में 4 बजे वो ब्रह्म संगीता का चलायत है, सुबह में 4 बजे, अब तो सोए रहोगे, 4 बजे हिमालय के चट्टी में बद्रीनारायण में, यसैक निशेषितो कालो मथावलंबो जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथ विष्णुर महान स इहो यस्सो कला विशेषो गोविंद महादि पुरुषम तमहम बजामि। ऊपर हो रहा है, पूरा हो रहा है, क्या बोला हमने, यसैक निशेषितो काल मथावलंबो जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथ विष्णु महान स इहो यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमाम भयम। वो गोविंद को मैं दंडवत करता हूँ, प्रमा जिसका कला खेरदग साई विष्णु है, गर्भोदय विष्णु है, कारणव साई विष्णु है, और कारणव साई विष्णु का बारे में यस्य क निशेषित काल मथावलंब निश्वास, इसका साथ साथ क्या अनंत ब्रह्मांड निकलो, अनंत ब्रह्मांड प्रकट है निष्कास निश्वास का साथ, जैसे को निशेषित काल मथावलंब जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथ विष्णु महान स इहो यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तम हम बजामि। ओम गोविंद को आप सोचो, गोविंद इज ओरिजिनल रीजन ऑफ रीजन ऑफ ऑल रीजन, ओरिजिनल रीजन, रीजन ऑफ ऑल रीजन्स, अनंत ब्रह्मांडों का एकदम कारण है गोविंद। लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि में क्या देखा जाता है, छोटा सा गोपाल बनकर खेल रहे हैं, है ना। टाइम स्पेस एंड मैटर का जो कंसेप्शन है, डोंट ट्राई टू अप्लाई इट इन द केस ऑफ दैट मेटेरियल वर्ल्ड, मेरा ये विनती है, धोखा खा जाओगे। टाइम स्पेस एंड मैटर एज पर आइंस्टाइन्स
related to each other, interrelated. Time, space and matter, interrelated. E is equal to mc square, जो इसका बारे में चर्चा करने का टाइम नहीं है. Time, space and matter all interrelated here in this material world. लेकिन अप्रागित जगत में सारे सब विभू. यह material जगत में Einstein को पूछा गया, Einstein, what do you mean by time? Einstein को पूछा गया, the great scientist, पागल हो जाता हूं मैं, कैसे संभव है? जो हमारा भारतीय आदमी जितना सारे साइंटिस्ट है, जितना सारे एडुकेटेड है, जितना सारे इसका अंदर में ये भावना नहीं पैदा हुआ, वो कैसे जानकारी प्राप्त कर लिया? जो लिखा पढ़ा ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, जो अपना जन्म तिथि में अपना बहन को चिट्ठी लिखा है, अरे हमने जन्म लिया बेकार, हमारा जिंदगी फजूल है, बहन को चिट्ठी लिखा, उन्होंने कैसे बता दिया E is equal to mc square? How possible? Energy and mass interrelated, how possible? ये तो हमारा भारतीय कृष्टि का गुप्त रहस्य है. हमारा भारतीय जो दर्शन है, इसका वेरी वेरी सीक्रेट, इवन यू डोंट नो. जितना सारे वैष्णव लोग उसको पूछो, वो भी बोल नहीं सकता, वो तो अप्रागित जगत का है नहीं, तो बोलेगा कैसे? कैसे बोल दिया? अब ये पृथ्वी पक्ष चल रहा है वो, और देखोगे चंडीपाठ होगा, उल्लू का मापिक चंडीपाठ सुनता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः. सुनते हो कि नहीं? क्यों सुनते हो? वाई? कुछ समझते नहीं तो सुनने का क्या फायदा है? ये आइंस्टाइन कैसे समझ गया? अरे हम तो पागल हो जाते. How is that possible for Einstein to realize this thing? Whereas he is from German. वो हमारा भारतीय चंडी का गुप्त रहस्य. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता. इसका बारे में कभी समय हो, डिटेल साइंटिफिक डिस्कशन हम करेंगे, प्रमाण अणु परमाणु लेके पूरा साइंटिफिक डिस्कशन. हर वस्तु का अंदर में एनर्जी है, साइंटिस्ट लोग ने प्रमाण करके देखा है. अणु परमाणु का अंदर, एटम का अंदर जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है. नील्स बोर साइंटिस्ट प्रमाण किया, वो सब चर्चा करने का कभी करेंगे. ये टॉपिक्स होगा इसका बारे में पूरा, एक एक टॉपिक्स, पागल बन जाओगे. साइंटिस्ट लोग पागल हो गया, जैसे लगता है ये एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता है. वाई? इसका अंदर में कोई चेतना है कि नहीं? फ्री विल. साइंटिस्ट लोग सोचता है, वी आर श्योर अबाउट इट, दे हैव सम फ्री विल, अदरवाइज व्हाई देयर इज नो सिस्टम, व्हाई दे आर जंपिंग, व्हाई दे आर कमिंग बैक. इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जंप करता, फिर अरे क्यों? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, चेतन है. यही आइंस्टाइन कैसे बताया कि हमारा लगता है, I cannot prove it, but I am sure about it, that E is equal to energy released by any mass. When mass is converted into energy, E is equal to mc square. Power 1 Planck constant is there, E is equal to c m square. एक Planck constant है उसमें. तो ये Einstein अनुभव में आया, जो हमारा भारतीय है हमारा अनुभव में नहीं आया. कैसे संभव है? ये हर वस्तु का अंदर जो इसका अंदर में जो अणु परमाणु है, इसका इसको भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए. सॉलिड फिजिक्स में ये आता है, 1.1 मिलीग्राम यूरेनियम, इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इनॉर्मस एनर्जी, पागल बन जाओगे. 1 मिलीग्राम और मोर लेस देन दैट इफ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पागल बन जाओगे, हैरान हो जाएगा. इससे इस फॉर्मूला के ऊपर एटॉमिक बम, हाइड्रोजन भी जो हुआ है वो
हमारा एटॉमिक ट्रॉम्बे बॉम्बे ट्रॉम्बे जो है वो उसमें जो एटॉमिक प्लान में जो फिशन एंड फ्यूशन एटॉमिक बॉम्बार्डमेंट होता है उसे एनर्जी डॉटर एलिमेंट फिजिक्स का केमिस्ट्री का बात है ये सब हो जाता है। तो आइंस्टाइन को पूछा गया, आइंस्टाइन व्हाट डू यू मीन बाय टाइम, आइंस्टाइन ने उत्तर दिया टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, मूवमेंट यस मूवमेंट ऑफ, अब मूवमेंट जो बोला है मूवमेंट सारे दुनिया सूर्य चंद्र ग्रह तारे तुम्हारा शरीर सब मूवमेंट हो रहा है, तुम्हारा अंदर में बायोलॉजिकल सिस्टम भी चेंज हो रहा है एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बट यू कैन नॉट रियलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम जो पूरा बॉडी का अंदर में चेंज हो रहा है बट यू कैन नॉट रियलाइज। आइंस्टाइन बोला टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट। अब जब मूवमेंट का बात आता है नाउ क्वेश्चन कमिंग हु और व्हाट विल मूव, कौन वस्तु क्या चीज मूव होगा, देन द क्वेश्चन ऑफ अ मैटर कमिंग। ये शरीर भी एक मैटर है, ये शरीर भी मैटर है ना, और जो मूव करे हाउ लॉन्ग इट विल मूव, समझा मेरा भाव, समझा नहीं। टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट, अ मूवमेंट हु और व्हाट विल मूव, कौन वस्तु क्या चीज मूव करे, वस्तु का कंसेप्शन आया। उसका बाद आया कितना दूर तक ट्रेवल करे, कितना समय तक, टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड जो भी है। अप्राकृत जगत का जो शब्द है इसका साथ प्राकृत शब्दों का ये पार्थक्य है, ये प्राकृत जगत का जो शब्द है इसका प्रभाव ये भी असामान्य है। प्राकृत जगत का जो शब्द है इसका जो प्रभाव है ये भी इनकॉन्सिवेबल। एक शब्दों का ऊपर लड़ाई लग गया घर में, काटा पीटी लग गया, एक शब्द किसका जबान में निकल गया, बस काटा पीटी संसार पूरा डिस्ट्रॉय, इतना सोने का संसार एक शब्दों बहू का जबान से निकल गया, संसार खत्म, बस हो गया। शब्दों का प्रभाव नहीं है, है ना। साइंटिस्ट लोग साउंड का वाइब्रेशन को ऊपर, लाइट का इंडिकेशन को ऊपर, लाइट का इंडिकेशन को ऊपर पूरा जो मिसाइल छोड़ता है ना वो साउंड को, इधर से टिक इंडिकेशन दिया उधर मिसाइल जाएगा, वो डायरेक्शन सब कैलकुलेशन है, इधर से मुझे कैलकुलेट करके छोड़े वो मिसाइल जाएगा चाइना में, उधर जगह बोम्बार्ड होगा। कैसे हुआ, सब हमारा भारतीय संस्कृति का चमत्कार है, ये साइंटिस्ट लोग आविष्कार के सब भारत से लिया, बट वी आर सो फूलिश वी आर गोइंग टू इमिटेट अ फॉरेन कंट्री, सब भारत से लिया है, सब भारत से, सारे दर्शन जो है भारत से लिया, ज्ञान विज्ञान मैथमेटिक्स सब का सारे लिया भारत से। प्राकृत जगत का शब्दों का इतना प्रभाव है, प्राकृत जगत में जो शब्दों एक एक शब्दों के द्वारा ऑफिस कचौरी सारे जगह, कोर्ट कचौरी सब जगह, हॉस्पिटल सब जगह शब्दों का पर सब रेगुलेट हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है। एक मालिक बैठा हुआ है कंप्यूटर में, उसे भी इंडिकेशन दे रहा है जाओ उधर ये कर वो कर, एक बैठा हुआ है। और फॉरेन कंट्री में तो पूरा एक कंप्यूटर डिवाइस है, उसका नाम है कंप्यूटराइज्ड है, वो पूरा इंडिकेशन देता है, पूरा एक फैक्ट्री। हमारा एक गुरु भाई है वो उधर एक फैक्ट्री पूरा अकेला चलाता है, एक कंप्यूटर प्रोडक्शन से लेकर सब कंप्यूटर में, वो बैठे बैठे रोबोट फैक्ट्री प्रोडक्शन पैकिंग रॉ मटेरियल आ रहा है सब एक कंप्यूटर, सब एक जगह रोबोट कर रहा है, क्या करोगे सब कर रहा है। प्राकृत जगत का शब्दों का इतना प्रभाव है, इन नियर फ्यूचर कंप्यूटर ऐसा आ रहा है सिर्फ टाइप करने का दरकार, मुख में बोले डिक्टेटर वो टाइप सब हो जाएगा। वो भी एक बात बोलना मैं जरूरी समझता हूं, इन नियर फ्यूचर फिफ्थ जेनरेशन में
संस्कृत इज द टॉप मोस्ट लैंग्वेज, पूरा होल वर्ल्ड में संस्कृत का ऊपर कोई लैंग्वेज है नहीं। साइंटिस्ट लोग परीक्षा करके देखा है जे अंग्रेजी का ऊपर कोई, ये शब्दों का चर्चा होता है इसमें बोले कोई दोष नहीं, फिर भी बहुत टॉपिक्स है ये थोड़ा प्रसंग में ही आता है। साइंटिस्ट लोग पूरी नासा में परीक्षा करके देखा है संस्कृत लैंग्वेज इज द टॉप मोस्ट लैंग्वेज एंड कंप्यूटर कैन रियलाइज परफेक्टली संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन का विशेष है। इधर से एक साउंड निकलता है, मिडिल से एक साउंड निकलता, ऊपर से शब्द तालु एक एक जगह से एक एक साउंड निकलता है। लेकिन अंग्रेजी का वो भी निकलता है, लेकिन अंग्रेजी का जो विशेष है उसमें प्रोनाउंसिएशन का कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है ही नहीं। जैसे एक साउंड बोला हमने कमल, के ए एम ए एल, हम अगर बोले कमला, कमला भी होता है के ए एम एल, हम बोले कमाल ये भी हो सकता है एक ही उच्चारण, लेकिन संस्कृत में यह नहीं है। संस्कृत में एक शब्द बोल दिया तो एक एक शब्दों का एक एक उच्चारण का विशेष है वही शब्द। ये अंग्रेजी का जो इंट्रिकेसी है इसमें कंप्यूटर इंडिकेशन समझता है, कंप्यूटर दूसरा लैंग्वेज समझता नहीं, उसका लैंग्वेज अलग है, लॉजिक गेट बोलता है, उसके द्वारा वो जाता है सब। बड़ा अद्भुत चीज है, प्रसंग में आता है इसलिए बोल दिया। साइंटिस्ट लोग ने बोला फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर, हर वर्ल्ड में जितना आदमी है अगर कंप्यूटर चाहे तो दे विल हैव टू लर्न संस्कृत, नो अदर वे, संस्कृत समझेगा वो, कंप्यूटर संस्कृत समझेगा और दूसरा लैंग्वेज समझेगा नहीं। नियर फ्यूचर में आ रहा है क्योंकि अंग्रेजी में गलती हो रहा है। तो ये जो शब्द है, आप शब्दों का प्रभाव के बारे में ये सब बताया जो अक्सर चर्चा में नहीं आता, आज तक जो चर्चा हुआ है हरि कथा इसमें ये सब चीज़ ठाकुर जी का कृपा से शायद नहीं आया होगा। तो मेरा इच्छा हुआ तो बोल दिया आपको, चर्चा करो इस सब विषय समझो। तो ये जड़ जगत का जो शब्द है इसका बहुत विशेष है, पूरा वर्ल्ड रेगुलेटेड बाय साउंड वाइब्रेशन। और अपराकृत जगत का साउंड वाइब्रेशन के बारे में क्या बताए, वो तो अनोखा है, वो तो अनोखा है, उसका बारे में और क्या बताए, वो तो है ही है। गुरु जी ने जो शब्दों बता दिया कानों पे, हमने इतना भूखा है वो दीक्षा का बात समझाई नहीं, क्या दीक्षा है, मन तो दे दिया मुखस्त करो चर्चा करो, वो भी मन तो प्रोनाउंसिएशन ठीक होता नहीं, वो करो। जब तक ये जो शब्द ब्रह्मो गुरु जी ने दिया है, ये शब्द ब्रह्मो आनिक करते करते जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। जब आनिक करते करते जो मंत्रों आनिक कर रहे हो, वो मंत्रों का देवता जो है मेरा सामने खड़ा है, काम गायत्री दिखाई पड़ता है, काम गायत्री सामने है, तब आपको सिद्धि है। शरीर छोड़ने का बाद जद गत्या न निवर्तन्ते तद्ध्यामं परमं मनो, वो जो धाम पे जाने के बाद वो जगत, ये जगत में आने का जरूरत नहीं है, ये जगत में क्या रखा है, अब तो आए आराम कर रहे हो, बोले महाराज बड़ा इंजॉयमेंट है इधर, करो मरो करो, ये जगत में क्या रखा है, कुछ है? अब प्रागृत जगत में हमारे थोड़ा जानकारी हो जाए पागल बन जाओगे, अब रहने का इच्छा ही नहीं होगा। यही तो काम है ना काल का चर्चा का विषय, काल का चर्चा का विषय है, चार्ट में देख लेना। हाँ, जो प्राकृत जगत का इतना प्रभाव है, अप्राकृत जगत का शब्द ब्रह्म का क्या प्रभाव, क्या नहीं हो सकता है अप्राकृत जगत का। गुरु जी जो मंत्रों दिया है वो मंत्रों का साथ साथ गुरु जी हरिनाम महामंत्र का साथ साथ राधा गोविंदों को साक्षात दे दिया, हरे कृष्ण 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 हरे बोलते हो ना, श्री कृष्ण चैतन्य पवनी सब दे दिया, पंच तत्वों को दे दिया, महामंत्र को दे, क्यों हम समझ नहीं पाता, वो जो बात बोला था, हम नादान है, बच्चा है, ये टॉफी है बिस्किट है समझता है, अभी समझना है, जब होश में आओगे
तब देखोगे गुरुजी मेरे को क्या प्रॉपर्टी दे के रखा है, और कुछ नहीं चाहिए। इस बारे में सनातन गोस्वामी का सामने एक ब्राह्मण जो पर्स मैंने मिला था वो फेंक दिया। सुना है कहानी? नहीं सुना? बर्धवान का कोई ब्राह्मण है बांग्ला का, वो रोते रोते काशी विश्वनाथ के पास गया। ठाकुर जी हमने सुना है आप जो कोई मांगता है वो आप दे देते हो, मेरा बेटिया रानी का शादी देने का कुछ व्यवस्था है नहीं, कुछ माला माल दे, माल दे दो हमारा कुछ है नहीं। शंकर भगवान ने उसको सपने में आया, ए माल चाहता है तो चले जा सनातन के पास वृंदावन में, वहां बहुत माल मिलेगी है। वो गया सनातन के पास, कौन सनातन में वहां रहता है, विश्वनाथ जी सपने में आके बता दिया। और वहां जाके पहुंच गया, सनातन जी कहाँ रहता है, बड़े गुस्साई बोले वहां रहता है। जाके रोना धोना शुरू कर दिया, रोना धोना इतना क्यों रो रहे, बोले विश्वनाथ जी ने भेज दिया। क्यों? मेरा पास? बोले आपका पास बहुत माल कड़ी है, आपको बोला विश्वनाथ, बोला उसका पास जाओ वो धन दौलत दे देगा। अरे विश्वनाथ जी ने बोला? हाँ। बोले हो ही नहीं सकता? बोले हाँ बोला, हम ब्राह्मण है झूठा नहीं बोल सकता। विश्वनाथ बोला मेरा पास तो कुछ पपड़ी है नहीं, एक कोपिन है, लोटा सोटा लंगोठा, ये तीन पपड़ी है मेरा, और जब की माला यही तो है। और ना हम नहीं जानता, विश्वनाथ जी ने बताया। सनातन जी सोचते रह गए, महाराज कैसे बताया, तो है नहीं कोई पगवाड़ी मेरा। अब विश्वनाथ जी भी भूल झूठा नहीं बोल सकता। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा, एक माल मिला था मेरे को और दे देता है, तेरा को कोई काम में आया तो ले जा, एक पर्स में नहीं मिला था, टास स्टोन। साइंटिस्ट लोग बोलता है कि ये टास स्टोन है, इट इज नॉट फिक्टी टास, जेन्युइन हो सकता, इट इज पॉसिबल। हमने कोई मोनी को आयरन का साथ स्पर्श कर दिया और उसका इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होके गोल्ड हो गया, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। पहले जमाने में ऋषि मुनियों ने सोना पत्ता ये सब देके घिस घास के कर सकता था पहले, अभी नहीं कर सकता। आज से 80 साल पहले एक घटना हुआ था, एक बाबा ने चप्पल पहन के आया और बाद में रे तेरा चप्पल में चिक चिक कर रहा है, क्या रे? बोला क्या चिक चिक करेगा, वो पहले जमाने में तो सिंथेटिक ये सब चप्पल नहीं था। उठा के देखा, अरे सोने है, सोने का नेल पीरेक है, सोने का पीरेक कहाँ से, हम तो ये तो लोहे का पीरेक लगा था। तेरा भी चप्पल का साथ स्पर्श मणि का स्पर्श हो गया था ब्रज भूमि में चलते चलते, ये घटना वास्तव है। ओ जो स्पर्श मणि सनातन वहां से टट्टी पेशाब जैसे उधर से ले जाओ, उधर से उधर खोद के देख, उधर है, खोद के देखा पड़ता। बोले क्या है ये, लेके क्या करूं? पर देख तो सही, स्पर्श मणि है, सोने बन जाएगा जिसमें स्पर्श कर, लोहा स्पर्श कराया सोना बन गया। अरे हम तो माला माल हो गया, दौड़ना शुरू कर दिया, चिल्लाना और थोड़ा दूर भागा और ठहर गया। अरे हमने तो ये प्रॉपर्टी लेके दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी, ये महात्मा का पास है जो लेके ये टट्टी पेशाब का पास दिखा दी, जा 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 ये लेके जा 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 चले जा, कौन सी चीज है उसका पास? अरे महाराज दौड़ के आया, हमको ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बोल के ये प्रॉपर्टी वो जो स्टोन है जमुना में फेंक दिया, फेंक दिया। अरे फेंक दिया क्यों, तेरा धन दौलत चाहिए? बोला आपका पास जो धन है वो चाहिए। अरे हमारा पास क्या धन है, ये तो दे दिया, मेरा पास कुछ धन नहीं, नहीं मेरे को वो धन चाहिए, हमको दे दो। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये लिखा था, जे धने होइया धनी मुनिरे मानो ना मुनि, तारी एक कौन मांगी अमी न तो सिरे, बंगाली में। जिस धन में आप धोनी होके ये धनी को ठुकरा दिया, वो धनी का एक कण मेरे को दे दो, मैं भी मालामाल हो जाऊं, मैं ऐसा धनी बनना चाहता हूं जैसे आप धनी हो। इसे संत महात्मा सबसे बड़ा धनी है, आपके पास कोई धन नहीं है जो धन के द्वारा उसको सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। वो राजधानी में जैसा समझता है, वो बैलगाड़ी में उससे ज्यादा अनुभव होता है वृंदावन में, आह कितना फ्रेश है, उसमें तो मछली मंस खाता है, बदबू आता है, वो जल्दी जाना है इसलिए चढ़ता है, क्या करे, शौक नहीं है, असुस्थ हो जाता है, क्या करे।
प्राकृत जगत का शब्द के बारे में ये इतना सारे छोटा बहुत हम व्याख्या किया। अप्राकृत जगत का बारे में गुरु जी जो मंत्र उपदेश दे दिया, वो मंत्र उपदेश क्या शब्द ब्रह्म दे दिया, आप मंत्र जप करते चलो, अगर कृपा मिल गया पूरा वो मंत्रों का साथ साथ आप मंत्रों का देवता जो है साक्षात्कार हो जाए, तब आपका दीक्षा ग्रहण वास्तव हुआ है। फॉलो माई पॉइंट, डिटेल डिस्कशन चाहिए, व्हाट इज दीक्षा, कभी समय मिले, दीक्षा क्या है इसका बारे में एक दिन पूरा चर्चा चले, व्हाट इज दीक्षा, अज्ञान में पड़ा हुआ है पूरा, लाखों आदमी आ रहा है मर रहा है, लाखों लाखों आदमी भजन में आ रहे हैं सब मर रहा है, दे हैव नो इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन कुछ मिलना मिल नहीं रहा, संत साधु संग किया साधु संग, काल भी चिल्लाया मैं बड़ा दुखी हूं, कल बड़ा कठोर प्रवचन हुआ मैं वो दुखी हूं, मैं क्षमा मांगता हूं किंतु मैं मजबूर हो गया, उपाय भी नहीं था, इतना कठोर वाणी बोला काल, उपाय भी नहीं था, उपाय भी नहीं था, इट इज ऑल्सो ए वन काइंड ऑफ मेडिसिन, क्या करे। तो अपराधिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म को जपते चलो, जपते जपते आपको अनुभव में आ जाएगा क्या चीज है, क्या नहीं हो सकता है। कृष्ण हईते चतुर्मुख, हय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदेरो मूर्ति, नारद हईते व्यास, मध्य कहे व्यास दासो पूर्ण भोग, आप गाते हो ना सुबह में, हैं क्यों गाते हो, कोई अनुभव तो है नहीं, अनुभव है तो गाते क्यों हो, विदाउट अनुभव गाना बेकार है, कोई सुकृति हो सकता, जब गाओगे पूर्ण अनुभव के साथ गाओ, समझा, पूरा अनुभव का था, इसमें क्या विशेष है, ब्रह्म संहिता में है वो, कितना चर्चा करें, 5-6 घंटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, ब्रह्म संहिता में है, ब्रह्मा जी को संस्कार मिला, भागवत प्रवचन 1 महीना 5 दिन कुछ भी नहीं है, बोलने का बाद मैं बोका बन जाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाया, 1 महीना 5 दिन लगातार 6 घंटा 8 घंटा बोलने का बाद में मैं दुखी हो जाता हूँ, कुछ नहीं बोल पाया, और वृंदावन में सब म्यूजिक चलता है, ऐसा है कैसे होता है, बोले हाउ यू गेट टाइम टू प्ले म्यूजिक एंड सॉन्ग, सब इडियट है, सब उसका पीछे दौड़ रहा है, ये शब्द ब्रह्म नहीं है, मार्केट में जो चलता है जिसका भी कुत्ता बिल्ली के बाद आदमी दौड़ता है, दिस द साउंड दे, वो हरिकथा नहीं है, हरिकथा इट इज लाइक हरिकथा, इट इज नॉट एक्चुअल हरिकथा, ये हरिकथा नहीं है, हरिकथा तो वो है, काल बताया था ना, जो गोली जैसे चला है पेनिट्रेट करके हृदय में आ गया धक्का लगाया ऐसा महाराज, जीवन जिंदगी चेंज हो गया, ये हरिकथा है, ये हरिकथा नहीं है, सारा दुनिया मर रहा है, सारा दुनिया किसका पासे बोलते फिरूं मैं, इतना बड़ा वर्ल्ड है, लाखों करोड़ों आदमी है, इंटरनेट में कितना आदमी का बस जा सकता है, बड़ा दुखी हूं, और सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकते कागज के फूलों से, ये इधर का ही प्रवचन है, बात है, लेकिन इधर का आदमी समझता नहीं, तुम्हारा बात तुमको ही हम मार दिया, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकते कागज के फूलों से, तुमसे ही सीखा है और तुमको ही मार दिया, तुम इतना बोका हो, खुशबू का पीछे दौड़ रहे हो, वह खुशबू है नहीं, पीछे अपना जिंदगी को खराब कर दिया। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म संहिता में है ब्रह्मा जी को दीक्षा दिया, कौन, स्वयं भगवान गोविंद, स्वयं ब्रह्मा जी ने दीक्षा दिया, दीक्षा देने के बाद जो संस्कार हुआ, जन्मना जायते शुद्धो संस्कारा दिजो भवेत, शास्त्रों का ये बात है, जो कुछ भी जन्म लेता है सब शुद्र है, संस्कार के बाद दिजो होता है, दिजो संस्कार, जो बोलता है ब्राह्मण, हम प्रमाण कर देंगे तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण का टाइटल है, यू आर एक्चुअली नॉट ब्राह्मण, जो सिम्टम है ब्राह्मण का शास्त्र में वो सिम्टम तुम्हारा साथ मिलता जुलता नहीं, अरे गुस्सा होने से मैं क्या करें,
कम से कम 7-8 पीढ़ी तुम्हारा ब्राह्मण का एटिकेसी है तो हम समझ लगे तो ब्राह्मण, वो कम से कम 4 पीढ़ी, कोई कंटामिनेशन है नहीं। अब तो कंटामिनेशन, वो चामार का साथ शादी होता है ब्राह्मण का लड़का का, और ब्राह्मण का लड़का का साथ शादी होता है कोई यू नो भांगी का लड़की का, ये हो रहा है कंटामिनेशन। अब मार्केट से सब्जी भी ले रहा हाइब्रिड का, और हाइब्रिड सब्जी देखे तो मेरे घिना, ले जा हाइब्रिड सब्जी, हाइब्रिड फ्रूट्स निषिद्ध है, हाइब्रिड गौ माता का जो बच्चा बिल्कुल निषिद्ध है, देसी गौ माता का पालन करो। मैं खुद लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, खुद भी पालन करता हूँ, और गोहत्या का आंदोलन में किताब भी निकाला है, मैगजीन भी है, मोदी जी से लेकर जितना सारे मिनिस्टर लोगों सब चिट्ठी दिया सब है लोगे। तो हम अगर गोपालन ना करें, महाराज किताब में लिखा है, खुद नहीं करता बोलेगा ना तो खुद करना पड़ता है। देसी गौ माता का पालन करो घर घर में, टाइम आ रहा है, सब मरेगा अगर ना करे तो जो भी है संस्कार शंकर भगवान ये ब्रह्मा जी को मिला है किससे? भगवान श्री कृष्ण से, गोविंद से। संस्कार का बात, द्विज संस्कार का बाद वो अप्रागित जगत का शब्दों धारण करने का क्षमता पैदा होता है, उसका पहले नहीं। ये जो ओरल रिसीव सामने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये डाटी है, बहुत मैल है, इसको साफा करो, पहले सुनो शब्दों ब्रह्म, सब साफा हो जाएगा तो किसी जगह हरिकथा सुनोगे तुरंत यू कैन अरेस्ट, ये हरिकथा नहीं है, ये डुप्लीकेट है। आपका ओरल रिसीव ऐसा परफेक्ट बन जाएगा, इतना सेंसिटिव हो जाएगा, सुनने का बात बोले ये महात्मा का प्रवचन, ये असली प्रवचन है, ये जो बोल रहा है सब ये बेकार है, तुरंत यू कैन अरेस्ट योर सेल्फ। आपका कान ऐसा हो जाएगा, आंखों ऐसा हो जाएगा, पहले भजन करो, पहले नहीं होगा, बहुत भजन करो उसका बात होगा। तो ये जो है अपरागित जगत का शब्द सुनने के लिए आपको चाहिए संस्कार, संस्कार हुआ कि नहीं। जैसे हमने पहले बताया ना, ये जो चर्चा जन्मना जायते शुद्ध संस्कार आदिजो भवेत, जब जन्म होता है शूद्र होकर जन्म होता है, अगर ब्राह्मण का लड़का भी वो भी शूद्र जन्म के टाइम में, जब संस्कार होगा तो वो द्विजो संस्कार होगा, उसका बाद संस्कार गायत्री, वो गान करते करते त्राण होगा, गायत्री त्राणम है, त्राणम, वो जो त्राण मिलता है जो गान गाते गाते उसका नाम है गायत्री, उसको ओपनली बोलना निषेध है, समझा मेरा बात। वो अपरागित शब्द ब्रह्म, वो अपरागित शब्द ब्रह्म गुरु जी ने दिया है, जब करते चलो चैतन्य चरितामृत, अगर आपने साधु गुरु वैष्णव में अगर सुना है तो, क्योंकि अभी भी मेरा डाउट है अब लोगों के बारे में, सुना नहीं है कुछ, क्षमा मांगता हूं ये बात बोलने का पहले। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तरे करे आत्मसम, ये लिखा हुआ है, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी टॉपिक्स, रैंडम डिस्कशन, कोई फायदा नहीं मिले। किस विषय के ऊपर चर्चा हो रहा है, किस चर्चा के बाद क्या नॉलेज मिला, ये नॉलेज तो तुम्हारा आत्मा का साथ रह जाएगा, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, मरने के बाद भी आत्मा का साथ ये जो नॉलेज प्राप्त हुआ है आज ये रह जाएगा, ये अपरागी जगत का नॉलेज है। जन्म ना जाए तो शुद्ध संस्कार आदिजो भवेत, संस्कार अगर हुआ तो, हमको मालूम नहीं है आपको संस्कार हुआ कि, मरे महाराज हम जप कर रहे हैं तिलक माला, हमको पता नहीं, आई कैन नॉट गिव एनी गारंटी, अगर हुआ है तो हुआ है ठीक है, क्योंकि वो संस्कार का एक प्रोसीड्योर है, ये साइंटिफिक बैकग्राउंड है, ये अगर हुआ है तो फल तो जरूर मिलेगा। आपका तरफ से आत्मसमर्पण गुरु जी तो परफेक्ट अगर है तो ठीक है, क्योंकि गुरु जी का बारे में जीव गोस्वामी जी बार बार बोला, जो हमारा शुद्ध परंपराकार आवश्यक है, जीव गोस्वामी बात संदर्भ में बार बार लिखा है,
तो हमारा आज शुद्ध परंपरा का आवश्यक है, जिस परंपरा में कोई कंटामिनेशन नहीं है। समझा मेरा बात? ये जीव गोस्वामी बात हमारा कहना नहीं, जीव गोस्वामी बात बार बार बोल रहा है संदर्भ का इंट्रोडक्शन में, जे गुरु परंपरा में कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, तब जो नॉलेज है विशुद्ध गंगोत्री, जैसे गंगोत्री से गंगा उतर कर चल रही है, ये मंत्रों का धारा भी है। अगर हम विशुद्ध है, गुरु जी विशुद्ध है, हमारा प्रभुपाद विशुद्ध है, भक्ति में ठोक तो परंपरा में विशुद्धता चलती रहेगी। समझा मेरा बात? ये जो कंटामिनेशन हो रहा है इट इज वेरी डेंजरस, इसका बाद ब्रेक हो जाता है। समझा मेरा बात? ये जो परंपरा है इसमें ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होके बस स्कैटर्ड हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने मंत्र परंपरा और भगवत परंपरा को जोड़ दिया। बहुत सीक्रेसी है, हम इस टॉपिक्स में बारे में चर्चा कभी अगर ठाकुर जी करे तो करे। मंत्र परंपरा और भागवत परंपरा को जोड़ दिया प्रभुपाद जी ने, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत जानते हैं कि किसी जगह अगर ब्रेकेज हो गया तो भागवत परंपरा के साथ लिंकेज हो जाएगा। समझा मेरा बात? समझा नहीं? किसनो इतने चतुर्मुख ऐसा करते चलो, देखोगे इसमें 50% आएगा मंत्र परंपरा। कभी देखा ही नहीं, कोई इंडिकेशन किया नहीं तो कैसे, अंधा बन के पड़ा हुआ, जस्ट ब्लाइंड सब कर रहा है, अंधा का माफी। कृष्ण जी चतुर्मुख करोगे उसमें देखोगे 50% मंत्र परंपरा है और 50% भागवत परंपरा। बट यू नेवर पुट एनी क्वेश्चन बिफोर मी, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि आया ही नहीं, इतना तक बुद्धि जाता ही नहीं, ये तो कैसे। ये तो भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने बोल दिया इसीलिए वो लोग आया, सुनता है दिल्ली में एक उधर पे, इसका साथ इसका पास प्रश्न कर सकते हो, क्वेश्चन यू कर सकते हो, जो भी है ठाकुर जी का इच्छा है। तो अपरागिक जगत का जो शब्द ब्रह्म है इसका प्रभाव हम बता नहीं सकता, इतना प्रभाव है। ये ब्रह्मा जी जो संस्कार मिला है, मंत्र मिला है, ये मंत्र का प्रभाव से सृष्टि रचा रहा है। शंकर भगवान जी ये मंत्र का प्रभाव से ध्वंस कर रहा है, विष्णु जी मंत्र का प्रभाव से ये पालन कर रहा है। सारे साउंड का प्रभाव है, शब्दों का प्रभाव। जब लंका का सेतु बना, हनुमान जी ने जय श्री राम बोल के लिखा पत्थर में और पानी में फेंका। मंत्र का ऐसा प्रभाव है, पानी में पत्थर तैरते रहे। वो ब्रिज आज भी है, इंटरनेट पे सर्च करो देखोगे, 20,000 लीग अंडर द सी यू कैन सी दैट ब्रिज ब्रोकन है, स्कैटर्ड है, पत्थर पड़ा हुआ है पूरा इंडिया से, पूरा एकदम रामेश्वर से पूरा लंका तक, देखो इंटरनेट सर्च करो। हम तो इंफॉर्मेशन नहीं है, हमको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, टीवी नहीं, कुछ, आई एम टोटली डिटैच, बट स्टिल आई एम गेटिंग इन्फॉर्मेशन, हाउ आई डोंट नो। सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए ठाकुर जी दे देते, हो जाता। जो भी है अपराकृत जगत का शब्द ब्रह्मों का प्रभाव हम कह नहीं सकता, इन्फिनिटी प्रभाव। इसका बारे में चर्चा करने जा, एक एक एग्जाम्पल दे तो आप पागल हो जाओगे। आज समय भी हो गया, आपका भी समय बहुत हो गया, आज इतना तक विश्राम दे। और एक बात शब्द बोल के हम छोड़ेंगे, प्रहलाद महाराज जी का जो प्रवचन जो शब्द है वो दे के शुरुआत किया, उसका दो एक माने कह दे, नहीं तो होगा नहीं। वो दे के हमने शुरू किया था शुरुआत में, उसमें प्रहलाद महाराज जी ने बताएं, नहीं ताहत मनो में तब कथा सुवैकुंठनाथ, नैताद मनो में तब कथा सुवैकुंठनाथ, संप्रीयते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैशनार्थम तस्मिन् कथम
तव गतिं विमिषामि दीना तस्मिन् कथं तव गतिं विमिषामि दीना। प्रह्लाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु जी, हे प्रभु, हमारा मन आपका प्रवचन में, आपका के दिव्य प्रवचन में नहीं लगता है, और आपका साथ नाता जोड़ने का एक ही रास्ता है प्रवचन हरि कथा, और मेरा मन दूरी तो दुष्टम साधु तीव्रम, डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। हम दुखी हैं क्योंकि वेदांत से बहुत सारे शब्दों चर्चा करना था, श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वाद गौणश्चेत नात्त शब्दम इक्षेतेन आत्त शब्दम, बहुत सारे वेदांत सूत्र का चर्चा करना था, लेकिन अभी 10:30 बज गया, क्या करे, इधर भी संदे कभी हो सके तो करे फ्यूचर में। वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु व्यवेश पतितानं पावन वैष्णव्यो नमो नमः।